दोस्तों नमस्कार। सिनेमा घर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप मेरे साथ हैं एक कली मुस्काई फिल्म की कहानी और गीतों के साथ। ये फिल्म आपको बता दूं 1968 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट भी रही। इसके निर्देशक वसंत जोगेलकर थे और प्रोड्यूस किया पंचदीप चित्रा ने और वसंत जोगेलकर ने। जिन कलाकारों की मुख्य भूमिका रही इस फिल्म में वो भी बता देती हूँ, उनके नाम क्या थे। अशोक कुमार चौधरी साहब के रूप में नजर आए, जॉय मुखर्जी डॉक्टर दिलीप नाम से जाने गए, मीना जोगेलकर मीना नाम से, ललिता पवार मिसेस बाला और मल्लिका पुतली नाम से जानी गई, निरूपा रॉय हॉस्टल की प्रिंसिपल बनी, महमूद मुन्ना नाम से जाने गए, ओम प्रकाश लाला नाम से और नाना पालसीकार राम रतन के नाम से जाने गए। और अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। जैसे कहानी शुरू होती है तो एक छोटी सी बच्ची मीना नाम की अपने डैडी से बहुत ही याचना कर रही है कि मुझे दूर मत भेजिए, भेजना ही है तो मुझे मम्मी के पास बहुत दूर भगवान के घर भेज दीजिए। अब डैडी नहीं चाहते कि वो भी अपनी माँ की तरह घुट घुट कर जिए और यहाँ पर रहे, इसीलिए उसे उसकी भलाई के लिए दूर स्कूल में भेज देना चाहते हैं। लेकिन राम रतन जो कि उनका नौकर है, उस बच्ची को दूर ना भेजकर उसकी माँ की तरह रख रखाव करना चाहता है और उसे वहीं रखना चाहता है। लेकिन वो बच्ची पढ़ाई के लिए बहुत दूर चली जाती है और फिर ये मीना नाम की बच्ची जवानी में कदम रखती हुई अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई नजर आती है कॉलेज लाइफ में। साथ ही मीना की ये मुलाकात यहाँ होती है डॉक्टर दिलीप से, जो पहले एक बार इन्हें को कॉलेज में मिल चुके हैं और मीना की कलाई में काफी दर्द है और मीना हॉस्टल में रहती है और यहाँ पर जो हॉस्टल की वार्डन हैं सब स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखती हैं। और अब डॉक्टर साहब थोड़ा, जब डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है कि मीना का हाथ दिखा लिया जाए कि उसकी कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा डराने के मूड में है। हॉस्टल प्रिंसिपल से कहते हैं कि ये दर्द कहीं दिमाग तक ना पहुँच जाए, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो मीना को ज़बरदस्ती वहाँ पर कैस्ट्रोल दिया जाता है और उसके बाद मीना जब अपने कमरे में जाती है तो सभी सहेलियों की चिट्ठी घर से आती है। सब सहेलियाँ अपनी अपनी चिट्ठी पढ़ रही हैं, लेकिन मीना यहाँ पर ये देखकर बहुत दुखी होती है कि आज तक उसे ना कोई याद करने वाला है जब से वो कॉलेज में आई है, ना ही किसी ने चिट्ठी लिखी, ना कोई लिखने वाला है। फिर दृश्य बदलता है। दृश्य में मुन्ना यानी जो महमूद है उनकी अपने मम्मी पापा के साथ मौज मस्ती चल रही है और फिर उसके बाद मुन्ना का स्कूल का दृश्य भी होता है, वहाँ कुछ शरारत करता है तो उसके प्रिंस जो स्कूल टीचर होते हैं ना वो घर पे आते हैं, वो शिकायत करते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो इनकी माता भी ऐसे ही हैं, तो उनको लगता है कि इस बच्चे की शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद उनके मम्मी पापा के साथ मस्ती होती है और फिर मुन्ना पुतली के साथ थोड़ा प्यार की बातें करता हुआ नजर आता है। तभी कालिया वहां आ जाता है कि तुम किसके साथ बैठी हो, तो वो कहती है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो वो कहती है जूता लेकर आओ। और मुन्ना कहता है कि तुम इस बेवकूफ से शादी करोगी। मुन्ना बहुत हैरान होता है कि ये एक तो बहुत अनपढ़ है जिससे तुम शादी करोगी, ये तुम्हें चाहता है। अब यहाँ दृश्य बदलता है। फिर मीना को डॉक्टर दिलीप सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं कि मीना ठीक हो चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उसकी कलाई में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर साहब ने ये लिख के दे दिया था कि मीना कहीं नहीं जाएगी अभी, इसके दिमाग में मतलब
कहीं खराबी ना आ जाए, इसलिए उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो अब वो कह दिया कि मेरा तो बाहर निकलना भी बंद हो गया डॉक्टर साहब, आप अगर लिख के दोगे तभी मेरी कॉलेज की जो हॉस्टल में टीचर हैं, वार्डन हैं, वो तभी मुझे बाहर जाने देंगी। तो वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, हॉस्टल में अब वो लेक पर जा सकती है, ये भी लिख कर डॉक्टर साहब दे देते हैं। तो मीना लेक पर जाती है, दिलीप वहीं आ जाता है। वो मीना से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन उसे इस बात को सुनकर थोड़ा अजीब और भावनात्मक भी लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा उससे प्यार जताया ही नहीं, ना ही किसी ने जीवन में उसको प्यार किया। बचपन से अब तक उसने प्यार शब्द सुना ही नहीं था। वो जब रोती है तो दिलीप उसका हाथ पकड़ लेता है और समझाता है कि अब दुख कट गया है, सूरज निकल आया है, मेरा भी वक्त बदल गया है। तभी यहाँ ये गीत बजता है। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई। अपने हैं अनजान, प्यार की ना जाने पहचान, दिल ही में दिल के अरमान, दोशीज़ा अल्लड़ नादान, हुस्न से अपने हैं अनजान, प्यार की ना जाने पहचान, दिल ही में दिल के अरमान, चुलाती बल खाती मत माती धूम मचाती। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई। जिसकी जुल्फे है जंजीर, बन जाए मेरी तकदीर,
सोच रहा हूँ वो तस्वीर कैसे हुस्न की ये तस्वीर जिसकी जुल्फें है जंजीर बन जाए मेरी तकदीर शर्माती घबराती जब आती होश उड़ाती लो एक कली मुस्काई लो एक कली मुस्काई दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारे लाई लो एक कली मुस्काई मुस्काई मुस्काई। गीत के बाद मीना प्रिंसिपल के कमरे में बुलवाई जाती है और प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन करती हैं कि तुम छिप कर बेवक्त डॉक्टर दिलीप से मिलने जाती हो, तुम्हें रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। मीना प्रिंसिपल से पूछती है कि अगर प्यार करना गुनाह है तो मुझे भेज दीजिए। वो बचपन से अब तक की अपनी पीड़ा बयां करती है कि उसे घर से भी प्यार नहीं मिला। बचपन से लेकर अब तक स्कूल की चार दीवारी में बंद रही, होश संभाला तो कॉलेज में ही संभाला। अब प्रिंसिपल भी उसे उसके जज्बातों को समझने लगी है। मीना कहती है कि डॉक्टर दिलीप में मुझे अपनापन महसूस होता है, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा है, वो मेरी सूनी जिंदगी में बहार बन के आया है। अब प्रिंसिपल भी उसे समझाती है कि हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं लेकिन तुम्हें एग्जाम्स का भी तो ध्यान रखना होगा। अब हॉस्टल प्रिंसिपल के रूम में मीना को शिफ्ट कर दिया जाता है लेकिन उनका सलूक जो है मीना के साथ काफी सख्ती से पेश आता है। एक रात अचानक मीना जो कि हॉस्टल प्रिंसिपल के रूम में ही साथ रह रही है, वे देखती है कि रात को जो वार्डन हैं जो उनके साथ रहती हैं वो रो रही हैं। वो उनसे इस रोने का कारण पूछती है तो वह बताती हैं कि मैं इस वजह से सबके साथ सख्ती से पेश आती हूँ क्योंकि मुझे भगवान से गुस्सा और शिकायत है कि उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मैं भी किसी से प्यार करती थी, अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और पता चला कि टीबी की बीमारी है उन्हें। डॉक्टर ने उनको बताया कि अगर वो किसी के संपर्क में आएंगी तो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो जिससे प्यार करती हैं वो उसके संपर्क में आए और वो बीमारी उन्हें भी हो जाए। उन्होंने अब हॉस्पिटल में जैसे ही उनका चाहने वाला आता है उनको पूछने के लिए तो वो जानबूझकर जो डॉक्टर उनके पास खड़ा होता है वह उससे प्यार करने का नाटक करती हैं और बाहर खड़ा उनका आशिक ये सब देखकर मन में नफरत भर कर चला जाता है और जो हाथ में वो गिफ्ट करने के लिए एक बुके लेकर आए थे वो भी गिर जाता है। ये सब देखकर वो अपने अंदर एक खुशी महसूस करती हैं कि चलो अच्छा हुआ ये नाराज होकर मन में नफरत लेकर चला गया। और ये सब जब मीना सुनती है तो उसको हॉस्टल वार्डन के प्रति बहुत ही प्यार और सहानुभूति होने लगती है। अब दृश्य यहाँ बदलता है, देखा जाता है कि मुन्ना के पिताजी यानी लाला जी अपनी पत्नी और बेटे मुन्ना को आजमा रहे हैं और मरने का नाटक कर रहे हैं। अब दोनों माँ बेटा अंग्रेजी स्टाइल में ब्लैक कपड़ों में तैयार होकर रोते हैं क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पिताजी अगर मर गए तो माँ हम ऐसे ब्लैक कपड़ों में नजर आएंगे क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो वो पिताजी को देखकर
रोने लगता है, रोने का नाटक करता है। तभी दिलीप वहां आ जाता है जो बड़ा बेटा है। वो पिता को देखकर रोता है, लेकिन तभी पिताजी उठ जाते हैं और बताते हैं कि बेटा अगर तुम ना आते तो ये माँ बेटा मुझे जिंदा ही जला देते। खैर, हंसी खुशी मजाक का दृश्य होता है और बीच बीच में मुन्ना के परिवार में काफी मौज मस्ती की बातें भी होती रहती हैं इस फिल्म में। अब अगले दृश्य में देखा जाता है कि एक वृक्ष नीचे गिरने से एक मजदूर घायल हो गया है। तभी डॉक्टर दिलीप वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ अगर कोई गिर जाता है तो इलाज कैसे होता है। तो पुतली कहती है कि भगवान भरोसे। अब यहाँ पर डॉक्टर दिलीप को समझ आ गई है कि यहाँ कोई भी डॉक्टरी सुविधा नहीं है। अगर कोई मरीज की हालत भी खराब हो जाती है तो उसको कोई भी पूछने नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा ही माहौल है। तभी मीना के दादाजी चौधरी साहब वहाँ आ जाते हैं और मजदूरों पर हंटर चलाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही जंगल में जाकर मजदूरों पर रौब झाड़ते हैं और अगर उनका कोई कहना नहीं मानता तो बस उनके बस में तो केवल एक ही बात है, वो हंटर चलाने लगते हैं। तभी डॉक्टर दिलीप पर भी चलाते हैं तो दिलीप उनका हंटर पकड़ लेता है और कहता है कि ये आप मुझ पर नहीं चला सकते और जब तक ये मरीज ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा कहीं। चौधरी साहब के एटीट्यूड को दिलीप अपनी बातों से तोड़ना चाहता है। कहते हैं ना कि नफरत अगर कोई करता है तो आप उसके नफरत, जो दिल में नफरत है, उसको ऐसे नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए आपको कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ता है। और फिर मजदूरों को हंटर मारने का डरावा देकर चले जाते हैं। अब यहाँ दृश्य बदलता है जहाँ दिलीप अपने घर पर है और उसकी माताजी चाहती हैं कि वो बाहर जाकर इंग्लैंड में अपने प्रोफेशन से पैसा कमाए, लेकिन दिलीप मना कर देता है। वो चाहता है कि इंडिया में रहकर ही हॉस्पिटल खोलेगा और सबकी सेवा करेगा। दिलीप पिताजी से गरीब मजदूरों के बीच रहकर उनका इलाज करना चाहता है और उनकी सेवा करना चाहता है। अब दृश्य यहां बदल जाता है। मीना अपनी हॉस्टल प्रिंसिपल से कहती हैं, मिलती हैं, वो एक चिट्ठी पकड़ाती हैं और कहती हैं कि इसे पढ़ लो, जिसमें लिखा होता है कि मालिक ने कहा है कि तुम्हें कश्मीर भेज दिया जाए, लेकिन मीना कश्मीर ना जाकर अपने घर जाना चाहती है और पिता से इतनी नफरत की वजह भी पूछना चाहती है। अब दृश्य यहाँ बदल जाता है। मुन्ना डॉक्टर्स बनकर किसी तरीके पुतली के घर आता है और उसके पिता का इलाज अपने तरीके से कर रहा है और फिर पुतली और मुन्ना घर से बाहर आ जाते हैं। फिर ये गीत बजता है, हम भी सुन लेते हैं ये गीत। आ आ मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर गाना ना, कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ, आ मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर जाना ना, कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ मेरा सुरमा
बनाकर आँख में अपनी लगा ले, मुझे साबुन समझकर अंग पर अपने जमा ले। हाय मेरा सुरमा बनाकर आँख में अपनी लगा ले, मुझे साबुन समझकर अंग पर अपने जमा ले। तुझे सौगंध भगवान की खुदा का वास्ता तुझको, कि मुझसे दूर मत जाना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर, मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर। जाना रंग मैं हूँ तेरा दीवाना। ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी, बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी। ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी, बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी। जब मिल जाए ये दो चोंचे तो दुश्मन मिलके ये सोचे, कि तू है मेरी दीवानी या मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर, मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर। जाना ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। लगे जो प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं सीमा खिला दूं। लगे जो प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं सीमा खिला दूं। तेरी खातिर जो मर जाऊं बड़ा ही काम कर जाऊं, यही है मेरा अफसाना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर, मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर। जानो ना मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ, 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 आ। और दोस्तों इस गीत के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी मुश्किल है नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। दोस्तों आप सुन रहे हैं सिनेमा घर कार्यक्रम के अंतर्गत एक कली मुस्काए फिल्म की कहानी और गीत। अब मीना अपने घर चली जाती है जहां राम रतन चाचा, जिनको वो चाचा कहती है, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम वही मीना हो, मुझे जी भर के देखने दो। मीना कहती है मुझे अपने डैडी के पास ले जाओ। राम रतन मना करता है और वो कहता है तुम्हारे डैडी इस समय किसी से नहीं मिलते, सुबह मिल लेना। तो
मीना पिता के कमरे में तो उसी समय ही जाना चाहती है, क्योंकि जब बच्चा आता है तो उसे कितनी खुशी होती है ना बाहर से, तो उसको होता है कि मैं अपने लोगों से मिल लूं। तो वो कमरे में चली जाती है और कहती है, डैडी आपकी बेटी आ गई मीना। लेकिन डैडी तो नशे में चूर हैं। थोड़ी देर में मीना अपने डैडी से बात करके उन्हें बताती है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं नैनीताल से आई हूँ। लेकिन वो उसे यहाँ पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहने लगे, हमने तो बोल दिया था कि कश्मीर चली जाओ। वो कहती है, मेरी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई, कॉलेज की भी खत्म हो गई, तो अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैंने कश्मीर ना जाकर अपने घर आने का फैसला किया। मीना डैडी से पूछती है कि मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अगर आप मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हैं तो वो वजह भी बता दीजिए मुझे, मैं फिर नहीं आऊँगी। राम रतन चाचा देखते हैं कि मीना अटैची में कपड़े पैक कर रही है और रो भी रही है, तो वो कहते हैं कि बिटिया तुम कहीं नहीं जाओगी। वो कहती है, जब पिता ने 15 साल के बाद मिलने पर भी गले नहीं लगाया तो आप कौन है? रतन चाचा कहते हैं, बिटिया मैं तुम्हारा रतन चाचा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मालिक दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। लेकिन मीना रोते रोते वहाँ से जाना चाह रही है, तभी चाचा उसे उसकी माँ के द्वारा दी गई चिट्ठी पकड़ाते हैं और कहते हैं, जाने से पहले इसे पढ़ लो, फिर तुम्हारा जो दिल करे तुम चली जाना, मैंने 15 साल से इसे संभाल कर रखा हुआ है। मीना उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसमें माँ ने लिखा होता है, मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगी, तुम्हारे पिता दिल के बुरे आदमी नहीं हैं। बेटी चाहे वो तुमसे नफरत करें, बुरा बर्ताव करें, लेकिन तुम उन्हें नफरत ना देकर प्यार से ही देखना। ये अधूरा काम मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़कर जा रही हूं, अगर तुम उन्हें सुधार सकी तो मेरी तड़पती आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम्हें आशीर्वाद। ये चिट्ठी पढ़कर मीना का अंतर्मन अब अपने घर को छोड़ने का नहीं करता और रतन चाचा को वादा करती है कि अब वो घर से बिल्कुल नहीं जाएगी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि आप किसी के दिल से नफरत को निकालने के लिए नफरत नहीं प्यार रूपी दवाई देंगे तो वो इंसान कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। अब मीना मन में ठान लेती है कि पिता की नफरत को प्यार में बदल कर ही रहूंगी। ये दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि जो बच्चे हैं और माता पिता हैं, ये माता पिता जब बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने तरीके से कुछ ना कुछ उनको भी रास्ता अपनाना पड़ता है, और जब माता पिता में कोई उनको लगता है बच्चों को कि ये उनकी आदत या व्यवहार उनका सही नहीं लग रहा, तो बच्चे भी आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपने तरीके से और प्यार के तरीके से अपने माता पिता को समझा बुझा लेते हैं। अब दृश्य बदल जाता है जहां मीना की मुलाकात एक बार फिर से दिलीप से होती है। वो अपनी बातें दिलीप से साझा करती है और मीना दिलीप से ये भी कहती है कि मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। यहीं पर फिर ये गीत चलता है, हम भी सुन लेते हैं। Thank you.
जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां। यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, शराबी तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे, आंख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे, शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे 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 गोरे, शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे, आग भड़काती चली आई हो, आग भड़काती चली आई हो, आग भड़काती चली आई हो, तेजी सोचो तो जरा शोलों का क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, अनजान अदाएं हाँ ले बैठी है हमको ये अनजान अदाएं, छोड़ के दर को तेरे बोल कहाँ हम जाएं, हाँ हाँ छोड़ के दर को तेरे बोल कहाँ हम जाएं। जाल फैलाती चली आई हो, जाल फैलाती चली आई हो, जाल फैलाती चली आई हो,
तुझी का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा, है हाँ बदली का क्या होगा, है हाय। अब गीत यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मीना और दिलीप एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते नज़र आते हैं। फिर दृश्य बदल जाता है और मीना के घर का है, जहाँ हॉस्टल के प्रिंसिपल मीना के घर कुछ किताबें आकर देख रही हैं। तभी उनकी नज़र मीना के पिता पर पड़ती है और पिता उनको डांट रहे हैं कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है, मैं तो मीना के कहने पर आई हूँ। वो बताती है कि मैं हॉस्टल में मीना के साथ ही रहती थी, उसी के कमरे में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। मीना के डैडी उनसे कहते हैं, पूछते हैं कि तुमने बेवफाई क्यों की। वो कहती है कि आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते और उनको थप्पड़ भी लगा देते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। अब मीना के डैडी ऊपर मीना के ऊपर बहुत बरसते हैं गुस्से से कि तुमने उसको क्यों बुलाया था। वो कहती है कि मैंने सोचा कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। तो उसके डैडी कहते हैं, तुम उसे नहीं जानती, वो बदचलन है। मीना अभी बात कर ही रही होती है तभी कोई उनके घर कोई पहरेदार आकर बोलता है कि जंगल में कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा और वो डॉक्टर लड़का उनका साथ दे रहा है मजदूरों का। अब चौधरी साहब उस लड़के को मरवाने के लिए बोलते हैं। मीना ये सुनकर डर के मारे कांप जाती है। गुस्से से तिलमिलाते हुए चौधरी साहब अब जंगल की तरफ चले जाते हैं और दिलीप उन मजदूरों के साथ खड़ा हुआ है, उन्हें वेतन बढ़वाने के लिए भी कह रहा है। तभी मीना आकर दिलीप से कहती है, तुम्हारी जान खतरे में है, यहां से चले जाइए। दिलीप जाने को मना कर देता है क्योंकि वो गरीबों के लिए हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। हाथी मद में चूर होकर मजदूरों को कुचलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। चौधरी साहब देखते हैं कि मीना भी वहीं खड़ी है। वो मीना को वहां से हटने के लिए आवाज लगाते हैं, मीना हट जाओ तुम। मीना मना कर देती है। तभी हाथी चौधरी साहब को जख्मी कर देता है। चौधरी साहब को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और दिलीप उनकी देखरेख कर रहा है और फिर उनका इलाज घर भी जब करने आता है तो मीना भी उनकी देखभाल कर रही है और उनको दवाई भी ज़बरदस्ती पिला रही है। अब यहाँ पर चौधरी साहब उसे कहते हैं कि तुम डॉक्टर और इंसान दोनों ही अच्छे हो। अब दृश्य बदलता है जहाँ पुतली और मुन्ना आपस में मिलते हैं। वो पुतली के पिता से घुमा फिरा कर बातें करता है, जहाँ उसके पिता और एक अनपढ़ व्यक्ति कालिया, जिससे पुतली की बात यानी मंगनी करना चाहते हैं, उसके पिता दोनों बैठे हुए हैं और पुतली और मुन्ना अब यहाँ एक्टिंग करते हैं कि कालिया से ही शादी कर लेना। अब दृश्य बदल जाता है। डॉक्टर दिलीप चौधरी साहब का पता लेने आते हैं और फिर उनको देखते हैं कि अब ये ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ दृश्य फिर से बदलता है। फिर पुतली और मुन्ना द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि पुतली मां बनने वाली है। पुतली के पिता मुन्ना के पिताजी से शादी के लिए बात करने आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनकी बुराई होगी, तो अब हाथ जोड़ के जैसे तैसे अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए बात कर ही लेते हैं। तो दोनों परिवार
उनकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मुन्ना पुतली को अकेले में कहता है, तो बना दिया उल्लू इन सबको, चलो अच्छा हुआ। ये बात मुन्ना के पिताजी छुपकर सुन लेते हैं और वो भी हंस पड़ते हैं। अगले दृश्य में देखा जाता है कि मीना की खूब देख रेख से उसके डैडी ठीक होते चले जा रहे हैं। वो उनके लिए जूस लेकर खड़ी हुई है और उन्हें मनाती है कि आप पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर मीना के डैडी मीना को बुलाकर कहते हैं थैंक यू और गले से लगा लेते हैं। आज उनके दिल में भी प्यार की भावना जाग चुकी है। मीना डैडी को समझाती है कि प्यार से सब बातों का हल निकल आता है। अब यहाँ मीना ने जब अपने पिता को इस तरीके से देखा, जब थैंक यू शब्द सुना, तो मीना को अंदर से उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। बहुत खुश हो रही थी कि आज उसके पिता ने एक रिश्ते को समझा है। और अब डैडी मीना से कहते हैं कि दिलीप आए तो मुझे बताना, और नहीं तो कह देना कि तुमसे छिप छिप कर मत मिले, अगर मिलना ही है तो अपने पिताजी को लेकर आए। मीना बहुत खुश होती है कि उसके पिताजी अब रिश्तों और प्यार की भाषा को समझने लगे हैं। फिर खुशी से अब मीना के पांव कहाँ टिक रहे हैं वो यहाँ इस गीत में नजर आते हैं। Thank you.
तरफ एक छोटा सा ब्रेक। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, सिनेमा घर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं एक कली मुस्काई फिल्म की कहानी और गीत, और मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना। अब इस गीत के बाद देखा जाता है कि मीना लड़के वालों की फैमिली के आने का इंतज़ार कर रही है और पिता को पहले समझा दिया है कि उनके आने पर कैसे कहना है, उनसे कैसे बात करनी है, और उनको ये कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि आपका बेटा मीना के लिए एकदम से सही है और इनकी बात पक्की, ऐसा कहेंगे। लेकिन तभी एक टेबल पर रखी चिट्ठी चौधरी साहब के हाथ लग जाती है, जो कि मीना की माँ की तरफ से, यानी हॉस्टल की जो वार्डन है, आप समझ ही गए होंगे, राज खुल गया है, तो उनकी तरफ से लिखी हुई है, जिसमें लिखा होता है कि मीना, लेकिन मीना के लिए वो हॉस्टल वार्डन ही है, अगर तुम्हारे पिताजी दिलीप से तुम्हारी शादी करने को इनकार कर दें तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम पर हक रखती हूँ। अब चौधरी साहब को चिट्ठी पढ़कर इतना गुस्सा आ जाता है, तो मैं ये चिट्ठी मीना के लिए, उसकी एक्चुअल में हॉस्टल, मैं आपको बता रही हूँ कि हॉस्टल आंटी ने लिखी थी, और फिर दिलीप के घर वाले जैसे ही आते हैं तो मीना के पिता अपना बदला हुआ इरादा एकदम से बता देते हैं कि हम एक मामूली ठेकेदार के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। दोनों परिवारों में काफ़ी बहस होती है। दिलीप भी कहता है कि जहाँ हमारे माता पिता का अपमान हो वहाँ हम भी रिश्ता नहीं करना चाहते। अब रतन चाचा मीना को आवाज़ लगाकर कहते हैं, बेटी रोको उनको, बेटी रोको, मालिक ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया और वो वापस आ रहे हैं। मीना के, जैसे ही मीना तैयार होकर, क्योंकि मीना तो उस समय तैयार हो रही होती है, उसे नहीं मालूम था कि चिट्ठी कैसे हाथ लग जाएगी उसके डैडी के, तो जैसे ही वो नीचे उतरती है तब वो लोग कमरे से बाहर जा चुके होते हैं। मीना रोती है, उसे लगता है कि अब दिलीप उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मीना भाग कर दिलीप से मिलने जाती है, लेकिन वो गुस्से में है, बात नहीं करता। तभी यहाँ ये गीत बजता है। तुम बेवा
दोस्तों आपको बता दूं कि ये उस दौर में बहुत ही ये गीत चर्चित हुआ था और इस फिल्म में गीतों को गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। गीत के बाद देखा जाता है कि मीना बहुत रोती है और उसके डैडी उसे डांटते हैं, कहते हैं अगर तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। मीना समझाती है कि क्या ऐसा कहने से पिता पुत्री का रिश्ता अलग हो जाएगा, क्या किसी के घर में बुलाकर उसका अपमान करना ठीक है। मीना के डैडी कहते हैं हाँ किया अपमान, उसकी भी वजह है ये चिट्ठी, बड़ी आई भड़काने वाली और बाप बेटी के बीच में दरार डालने वाली, अगर शादी ना करने दे तो मेरे पास आ जाना। वो समझ जाती है कि जरूर कॉलेज की वार्डन आंटी की चिट्ठी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब वो घर आई थी तब भी डैडी ने उनको जलील किया था। और चौधरी साहब कहते हैं कि उसने किसी के अरमानों का खून किया है, हाँ वो धोखेबाज है, उसने जमीर का खून किया है। मीना पूछती है कि आप उन्हें जानते हैं, मीना बताने लगी कि आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कोई किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें टीबी हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि उस शख्स को जिसे वो चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपने होने वाले पति के हॉस्पिटल में आते ही डॉक्टर से प्रेम करने का नाटक किया। जब वो अच्छी भली हो गई तो उन्हें पता चला कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती हैं उनकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, वो तो आज तक एक साध्वी का जीवन बिता रही हैं, भला वो मेरे से क्या बदला लेना चाहेंगी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तभी चौधरी साहब वहां से चले जाते हैं। मीना कहती है डैडी आप हमेशा सच से भागते रहे हैं। मीना के डैडी अपने कमरे में जाकर सारा सामान तहस नहस कर देते हैं, सारी कांच की बोतलें भी फेंक देते हैं। तभी मीना आकर उन्हें रोकती है कि आप क्या कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मीना को कि मैं ही वो शख्स हूं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज तक उन्होंने एक गलत चीज नशे का सहारा लेकर अपनी जिंदगी खराब कर ली, और वही मतलब चीज थी जिससे वो कहते थे कि मैंने शादी कर ली है और बेटी को भी लावारिस वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मीना वही खत जो उसे रतन चाचा ने दिया था उसके बारे में भी बताती है कि माँ ने मुझे लिखा था कि तुम्हारे पिता दिल के इतने बुरे नहीं हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। फिर पूरे होशो हवास में चौधरी साहब अपनी बेटी का रिश्ता मांगने चले जाते हैं ठेकेदार के घर और माफ़ी मांगते हैं कि मैं किसी गलत फहमी का शिकार हो गया था, लेकिन दिलीप की माँ मना कर देती है। वो उन्हें उस दिन की याद दिलाती है जब उन्होंने घर आकर जलील किया था, वो अपनी बेटी के लिए अपना सर झुकाने को तैयार है।
दोनों परिवारों में फिर हंसी खुशी से राजीनामा हो जाता है। और यहाँ दिलीप की माँ जब वो चले जाते हैं तो अपने हस्बैंड से कहती है कि जब उन्हें उनको नखरा दिखाती है तो दिलीप के पिता कहते हैं कि मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूँ जब तुम अपनी सभ्यता को भूलकर इंग्लैंड चली गई थी। वो भी अंग्रेजी बोलते हैं और कहते हैं चुपचाप भारतीय नारी की तरह साड़ी में आ जाओ, और लाठी उठा लेते हैं, कहते हैं मेरे चरण छुओ, और उनका ये प्यार पूरा मस्ती जो है पूरी फिल्म में चलती रहती है। फिर दिलीप के माता पिता में काफ़ी मजाक होता है और फिर यहाँ दृश्य बदलता है, कालिया मीना को लेकर चला जाता है। मीना बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, मुन्ना और पुतली इनको देख लेते हैं। कालिया को एक बार हंटर से चौधरी साहब ने मारा था, वो वही बदला आज उनकी बेटी से लेकर ले रहा है। मीना को एक झोपड़ी में बांध दिया जाता है। उसके डैडी को कालिया कहता है कि अपनी बंदूक छोड़कर आगे बढ़ो। मीना मना कर रही है क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पिता की जान पर खतरा है। तो कालिया मालिक पर यानी चौधरी साहब पर हंटर बरसा रहा है और मीना के डैडी को मारता जा रहा है। झोपड़ी में अब जो आग लगी हुई थी जहां मीना को बांधा हुआ था, तभी दिलीप आकर आग में प्रवेश कर जाता है। चौधरी साहब भी आग में घुसकर अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। पुतली उनको रोकती है कि आप मत जाइए। तभी डॉक्टर दिलीप मीना को उठाकर आग से बचाकर बाहर आ जाता है। पिता अपनी पुत्री के को जिंदा पाकर गले से लगा लेते हैं और दिलीप के हाथ में अपनी सुपुत्री का हाथ दे देते हैं। विदा करते हुए आज मीना की माँ और पिता एक साथ हैं, दोनों की आंखें नम हैं। रतन चाचा का मन भी आज बिटिया को विदा कर रहा है और अश्रुओं से भरा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज के ये फिल्म एक कली मुस्काई अब संपन्न हुई।